जिला चंबा के डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के तहत चल रहे भाजपा के जनसंपर्क अभियान के तहत जिला मार्केटिंग कमेटी चंबा के चेयरमैन डीएस ठाकुर ने स्नोहू पंचायत के अंतर्गत आने वाले घडेतरा और चुढ़ेड़ का दौरा किया। इस दौरान गांववासियों ने डीएस ठाकुर का बड़ी ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस मौके पर डीएस ठाकुर के नेतृत्व पर विश्वास जताते हुए 12 परिवारों ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामा। इस मौके पर डीएस ठाकुर ने लोगों की समस्याओं व मांगों को सुना व मांगों और समस्याओं का सरकार के माध्यम से जल्द समाधान करवाने का भरोसा दिलाया। गांववासियों की सबसे अहम जो समस्या है वो सड़क सुविधा की है, जिसे ठाकुर ने गांववासियों को आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस गांव को सड़क से जोड़ दिया जाएगा। वहीं ठाकुर ने लोगों को प्रदेश व केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का जानकारी सबको दिया जाएगा। जहां प्रदेश की जनता को लाभ मिला है, वहीं प्रदेश की डबल इंजन वाली भाजपा सरकार ने भी जन कल्याण की अनेक योजनाएं चलाई हैं। भाजपा पार्टी में शामिल हुए लोगों का ठाकुर ने स्वागत करते हुए कहा कि पार्टी में शामिल हुए हैं लोगों को संगठन में पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष विजय कुमार, जिला सचिव मदन ठाकुर, महामंत्री देशराज वसंत, स्थानीय पंचायत के उप प्रधान आशिफ भट्ट, किहार के उप प्रधान वीरेंद्र कुमार, सूरी के प्रधान कृष्ण पंडित, सलोनी पंचायत के प्रधान अनिल कुमार, दघाई के प्रधान केशो राम आदि। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए चंबा से नितिश शर्मा की रिपोर्ट।